guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a new video, guys. It's a haul video और इसमें हम करेंगे IKEA का haul. आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मैं IKEA गई थी और वहां से बहुत शॉपिंग करके लाई थी अपने न्यू स्टूडियो के लिए. एक मैंने पार्ट वन बनाया था IKEA हॉल का, जिसमें मैंने आपको सारे बड़े जो पीसेस थे ना लाइक फर्नीचर के, वो मैंने आपको दिखा दिए थे. उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो चेक कर लेना अगर आप लोगों ने पार्ट वन भी नहीं देखा है. दोज आर सम रियली नाइस स्टेटमेंट फर्नीचर के पीसेस जो आपके घर को मतलब बहुत सुंदर बना देंगे. नाउ इन दिस वन, दिस इज अ पार्ट टू एंड आई एम गोना शो यू ऑल स्मॉल स्मॉल चीजें लाइक कप्स, पोस्टर्स, लाइट, प्लांट, इस तरीके की चीजें मैं आपको दिखाऊंगी. सो या लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो जो सबसे पहली चीज है वो है ये पोस्टर्स. ये सेट ऑफ थ्री पोस्टर्स था, एक पोस्टर मेरे कहीं और पड़ा हुआ है बट ये दो को मैं यूज कर रही हूँ इसलिए वो यहाँ पे था तो मैं आपको दिखा रही हूँ. सेट ऑफ थ्री था, बहुत क्वर्की सा है, लाइक एक पे शूज बने हैं और एक पे घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, इस तरीके की कुछ चीजें हैं. काफी क्वर्की लगा मुझे और मेरे कलरफुल थीम के साथ जा रहा था तो अच्छा लगा मुझे. तो ये कैन यू इमेजिन ये कितने का है, ये आई थिंक 30 रुपीज का. 30 रुपीज गाइज, कैन यू इमेजिन. क्वालिटी भी पेपर की बुरी नहीं है, लाइक अगर आप प्रिंट आउट भी निकालना चाहोगे ना ऐसा पोस्टर बनाने के लिए लाइक फ्रेम में लगाने के लिए तो भी आपको महंगा पड़ेगा. सो ये काफी अच्छा मिल रहा था, मैंने ले लिया, सेल पे था. सो ये है पहली चीज, पोस्टर्स. उसके बाद शॉपिंग करने जाए ज्योति और कुशन कवर्स ना लेके आए हो ही नहीं सकता. कुशन कवर्स लेके आई, अभी तक यूज नहीं किए मैंने. इनका साइज है 50x50 सेंटीमीटर का, क्योंकि मेरे स्टूडियो में ज्यादातर चीजें रेड, येलो, गोल्डन इसी तरीके के कलर्स की हैं तो इसलिए ये मैं ले आई थी. क्योंकि मेरे पास There are never enough cushions. हैं बहुत सारे but I just love buying cushion covers यार, तो इसलिए ये ले आई थी. सबके price flash कर दिए हैं, links नीचे description box में दे दिए हैं तो वो check कर लेना. So yeah, the next thing is these cushion covers. उसके बाद में ये बहुत प्यारू सा ऐसे throw लेके आई हूँ यार, इतना सुंदर white color का है. ये इतना प्यारा है, इतना soft है, इतना सुंदर है कि इसे use करने का ही मन नहीं कर रहा है. तो मैंने इसे ऐसे लगा के ऐसे अंदर रखा हुआ है but I will use it. Maybe कभी किसी video में काम आ जाए. But हाँ, अभी keeping in mind the weather, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ महाराष्ट्र मतलब मुंबई का, तो कभी कभार ओढ़ने के लिए भी काम आ सकता है यहाँ पे लाइक वाइल एडिटिंग और समथिंग लाइक दैट. घर पे तो मैं ऐसी चीजें यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसे वाला है, लाइक अगर इसमें नाखून भी अड़ेगा तो देखो नाखून भी निकल जाएगा. ये देखो ऐसा है बट इसका मटेरियल ही ऐसा है. ये बहुत सेंसिटिव तरीके से यूज करने वाली चीज है, बहुत ही ध्यान से, बट इट लुक्स वेरी नाइस, लुक्स वेरी क्यूट. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट, अ वाइट थ्रो. उसके बाद मैंने IKEA से बहुत बार बहुत से मग्स खरीदे हैं एंड दीज वंस ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं. आज तक मैंने IKEA से जितनी भी क्रॉकरी रिलेटेड आइटम्स खरीदी हैं, लाइक हमने बहुत सारे बहुत बार कप्स खरीदे हैं, पानी के ग्लासेस खरीदे हैं, चाय के मग्स और ये सब खरीदे हैं, बट यार ये इतने प्यारे हैं और ये इतने सुंदर लगते हैं, प्लस माइक्रोवेवेबल हैं. तो स्टूडियो में अगर ये झूठे पड़े हैं तो एक अलग चीज़ है बट अदरवाइज अगर ये हैं तो मैं इनके आगे कोई और मग्स यूज़ नहीं करती. काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो जिनको बड़े मग्स पसंद है वो बहुत उनको अच्छा लगेगा. दे आर रियली प्रिटी यार, पता नहीं फॉर सम रीज़न मुझे बहुत सुंदर लगते हैं. तो ये मैं दो लेके आई थी स्टूडियो के लिए. सो अगर आपको मग्स चाहिए, बड़े मग्स चाहिए, माइक्रोवेवेबल भी हो तो डेफिनेटली गो फॉर दीज. उसके बाद आई गॉट दिस प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट है ये, फ्लोई वाला ऐसे जो नीचे लटकने वाला हैंगिंग प्लांट होता है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है. अभी लेटली मैंने सारे ऐसे फ्लोई ऐसे हैंगिंग वाले प्लांट्स लेने शुरू कर दिए हैं बिकॉज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और ये जो पॉट में आता है ना अपने आप में ही इतना सुंदर ऐसे पॉट लगता है कि ऐसे नहीं लगता कि अब घर जाके इसे पॉट में किसी और में डालना है या फिर इसके लिए अलग एक पॉट हमको खरीदना पड़ेगा. ये अपने आप इतने सुंदर से एक ब्लैक कलर के पॉट में आता है दैट यू डोंट रियली नीड अनदर ब्यूटीफुल पॉट. तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग. उसके बाद ये मैंने यहाँ पे कमी रखे हैं बट ये सेट ऑफ 12 आता है. ये हैंगर्स मेरे अब पूरे घर में मतलब जो पुराने हैंगर्स चल रहे थे वो ऑब्वियसली उनको मैं फेंकूंगी नहीं, उनको भी मैं यूज करूंगी बट अब जब भी हमें न्यू हैंगर्स की जरूरत पड़ती है वी ऑलवेज गेट दीज वंस फ्रॉम IKEA. क्लासिक दिखते हैं ब्लैक कलर के और सारे जब इकट्ठे बहुत सारे कपड़े ऐसे ब्लैक हैंगर्स पे लगे होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सस्ते हैं. लाइक आजकल की डेट पे मैंने देखा है अगर आप हैंगर्स ढंग के सुंदर दिखने वाले हैंगर्स इतने महंगे हो गए हैं, मतलब 2000-2000 रुपए के 6 हैंगर्स मिल रहे हैं ऐसे ऐसे. नो डाउट वो सुंदर होते हैं दिखने में, क्वालिटी भी अच्छी होती है बट मुझे ऑनेस्टली उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है. तो अगर किसी को सुंदर हैंगर्स पे
उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो ये आइकिया के हैंगर्स बहुत बेस्ट होते हैं। लाइक दिखने में प्यारे भी लगते हैं, बेसिक से हैं, ब्लैक कलर के हैं, गंदे भी नहीं होते हैं जल्दी ब्लैक की वजह से, एंड अच्छा है। इसके अंदर ये भी है, तो अगर आप कोई ऐसा कपड़ा है जो ये ना ऐसे गिर रहा है तो आप इसके अंदर अड़ा सकते हो। लाइक कोई स्ट्रैपी है तो आपने यहाँ पे डाला और वो अगर फिसल रहा है तो आप इसके अंदर उसे अड़ा सकते हो। सो इट्स नाइस लाइक फॉर द प्राइस इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड सेट ऑफ हैंगर्स। ओके नेक्स्ट आइटम है ये किचन आइटम है। लाइक इससे आप सर्विंग भी कर सकते हो, इससे आप कुछ कुक भी कर सकते हो, नॉनस्टिक के लिए बेस्ट होते हैं। इतने सस्ते हैं ये सेट ऑफ थ्री। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ भी भेजे थे ये सेट ऑफ थ्री। मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी बताया कि भाई ये वाले ले लो अगर नॉनस्टिक के लिए ढूंढ रहे हो, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव आज के टाइम में अगर आप खरीदने चाहते हो। बट ये मुझे बहुत सही लगता है अगर आप पराठा वराठा बना रहे हो, सेक रहे हो, तो नॉनस्टिक पे अक्सर हम लोग यू नो स्टील और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते बिकॉज उसकी नॉनस्टिक की कोटिंग निकल जाती है, तो उसके लिए ये सेट बहुत सही रहता है और बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है। एंड ये हमारा एक्चुअली सेकंड सेट है, इस बार मैं नया लेके आई हूँ। आई थिंक मैंने जो इससे पहला सेट ये वाला लिया था ना, वो दो साल से चल रहा होगा, वो अभी तक चल रहा है। सो आई गॉट वन मोर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप के यहाँ पे डिलीवरी होती है IKEA की, आप जाके लाते हो, प्लीज गेट दिस वन, यू विल थैंक मी, स्पेशली फॉर नॉनस्टिक जो बर्तन होते हैं उनके लिए। उसके बाद मैं लेके आई थी LED लाइट्स। वैसे तो मैं यूजुअली Amazon से खरीदती हूँ LED लाइट्स, थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं, ठीक ठाक मिल जाती हैं। ये थोड़ी मुझे महंगी मिली है, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार ये यूज करके देखते हैं। अभी यूज नहीं की है मैंने, ये खोली ही नहीं है मैंने अभी तक, बिकॉज अभी मेरी पुरानी फेरी लाइट्स चल रही है, बट मुझे दिखी तो मैंने ले ली, बिकॉज आई न्यू कि मुझे चाहिए एक और, मुझे लगेंगी ये वाली एक LED लाइट, तो मैंने ले ली। बट ऑनेस्टली अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये कैसी काम करेंगी या नहीं, बट या दिस इज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद मैं एक चीज़ लेके आई जो यार एक्चुअली मैं लगवा नहीं पाई अभी तक। ये ना बहुत ही सुंदर वॉल पे ऐसे लैम्प लगते हैं ना, ये देखो स्पॉटलाइट टाइप की फीलिंग वाले, कितने सुंदर हैं यार ये। और ये आपको अगर कहीं ऐसे भी टेढ़ी लाइट चाहिए, कहीं और लाइट चाहिए, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो लेफ्ट और राइट आप इसे रोटेट कर सकते हो अगर आपको जहाँ पे भी लाइट चाहिए वैसी। सुंदर कितने लगेंगे यार एक वॉल पे लगे हुए। ये मैं लेके आई हूँ एक जगह के लिए, लाइक जो मेरा गोल वाला मिरर है इफ़ यू गाइज रिमेंबर स्टूडियो में, उसके ऊपर लगाने के लेके आई हूँ। बट इन द मिडल ऑफ सो मेनी थिंग्स इसकी फिटिंग की बारी ही नहीं आई, तो ये भी मैं करवाऊंगी, बट दिस इज सो कूल, लुक्स वेरी गुड। ओके उसके बाद वी गॉट वाइन ग्लासेस फ्रॉम IKEA। एक्चुअली हमें वाइन ग्लासेस चाहिए थे, घर में एक एक करके टूट चुके थे, लेकिन कहीं पे भी ना ऐसे वाइन ग्लासेस नहीं मिल रहे थे जो पसंद भी आ जाए लेकिन सस्ते भी हों, लाइक बहुत ज्यादा महंगे ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता करना, लाइक वाइन ग्लासेस जैसी चीज। एक तो अल्कोहल सर्व करने की चीज है और यूजुअली लोग अल्कोहल पी के कई बार यू नो ग्लास पे ठोकर लग गई, कुछ लग गई तो वो हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा महंगे वाइन ग्लासेस नहीं लेना चाहती थी। स्पेशली माय हस्बैंड कमल इज वेरी क्लम्सी, इसीलिए मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ उनमें। सो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड, दिखने में भी अच्छे हों और प्राइस भी कम हो। फाइनली मुझे IKEA पे ऐसे लगा कि ये वाइन ग्लासेस हमारी जेब को भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहे हैं एंड देखने में भी अच्छे थे। पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसका स्टेम भी पूरा ट्रांसपेरेंट है, इट्स नाइस। सो सेट ऑफ सिक्स लिया है हमने, अभी तक यूज करने का मौका नहीं मिला है। ओके उसके बाद हम लोग गद्दियां लेके आए रेड कलर की, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द फर्नीचर जैसे मैंने बताया रेड और येलो है, तो ये गद्दियां ले आए थे क्योंकि स्टूडियो में ना बैठने की जगह बहुत कम है, तो मुझे चाहिए कि बैठने की जगह हो अगर थोड़े ज्यादा लोग आ जाए। लाइक कई बार देयर इज अ वीडियोग्राफर, असिस्टेंट है, कोई हेयर मेकअप के लिए है, तो सबको बैठने के लिए तो जगह चाहिए एटलीस्ट फॉर खाना खाना एंड ऑल ऑफ दैट। कई बार कोई फ्रेंड भी आ जाते हैं, पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चाहिए था जिससे जगह घिरे, बिकॉज इस स्टूडियो में मुझे, आप लोगों को पता है मैंने पहले ही मेंशन किया, मुझे जगह को खाली रखना था सो दैट मूव अराउंड करने की जगह मिले, तो इसलिए ये वाली गद्दियां मुझे ठीक लगी। एक बैठने के लिए जगह भी हो गई बट ज्यादा जगह घिरी भी नहीं, जैसे कि एक चेयर घेरेगी या फिर एक सोफा घेरेगा, तो मैं तो इनको इस तरीके से यूज करती हूँ। बाकी आप लोग इसको एक्चुअली बहुत अच्छे तरीकों से यूज कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो अपनी बैल्कनी में, जहाँ पे अगेन थोड़ी जगह कम होती है, कंजस्टेड होती है, एंड आप पूरा फर्नीचर पीस नहीं डालना चाहते हो, या फिर कई बार पॉकेट की वजह से भी आपको लगता है कि नहीं यार पूरा फर्नीचर आइटम नहीं लेना है बैठने के लिए, तो ये गद्दियां बहुत हैंडी हैं, मूव अराउंड भी हो जाती हैं, जहां मर्जी लेके चले जाओ और बैठ जाओ, सस्ती भी है, तो व्हाई नॉट। सो ये लेके आए हम नेक्स्ट। उसके बाद मैं लेके आई ये दो बड़े से फ्रेम्स, एक वॉल खाली थी मेरे बगल में तो वहां के लिए मैं ये बड़े बड़े फ्रेम्स लेके आई हूँ। IKEA के फ्रेम्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो उनके पास ना साइज की बहुत वैरायटी होती है, छोटे सस्ते सब तरीके के फ्रेम्स होते हैं,
बहुत वैरायटी होती है चूज करने के लिए, तो वहां से मैंने बहुत बार छोटे वाले भी लिए हुए हैं फ्रेम्स। बस एक प्रॉब्लम मुझे इन फ्रेम्स में लगी कि ये आप देख रहे हो ये निशान इस पे ना पड़े रह गए। तो जब मैंने स्टिकर उतारा था इनका तो मुझे पहले लग रहा था कि ये वाले जो निशान है वो स्टिकर पे हैं, मतलब वो जो ऐसे पील करने वाला स्टिकर होता है ना जो ऊपर ऐसे लगाया होता है ताकि कोई स्क्रैच ना पड़े, पर ये जो स्टैंप है ये इस पे निकली, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अब अगर मैं इसके अंदर वो लगा भी रही हूँ ना अपने पोस्टर वोस्टर, ये ऊपर दिख रहे हैं, तो आई डोंट माइंड सो मच, ठीक है, इट्स ओके, बट ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर हर पीस पे ऐसा है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता यार हर पीस पे ऐसा हो। आई थिंक मेरा पीस ऐसा निकला कि वो स्टैंप उस पे चिपकी हुई है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट दिस इज वन प्रॉब्लम दैट इज देयर विद दीज फ्रेम्स। सो डिसाइड एंड देन ओनली बाय, और जस्ट चेक nicely before buying if you're buying it offline। तो उसके बाद बढ़ते हैं next चीज पे। Okay, next item मैं लेके आई एक floating shelf। IKEA के white वाले shelves बहुत अच्छे लगते हैं, floating shelves। ये वाला इस बार हम लेके आए लंबा ऐसे गोल वाले mirror के ऊपर लगाने के लिए। इसको मैंने ऐसे style किया हुआ है हल्का बहुत सामान रख के, यहाँ पे painting और ये ऐसे hanging वाला plant। तो बड़ा अच्छा लगता है यार white color का, एकदम से अलग से ऐसे दिखता भी नहीं है, बहुत loud भी नहीं दिखता है, and you can always colors add करके इसको आप अपने हिसाब से style कर सकते हो। मुझे ये वाले शेल्स अब बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैं पहले भी IKEA के ये वाले शेल्स खरीदती आई हूँ, मेरे घर में भी लगे हुए हैं बहुत सारे इससे मिलते जुलते शेल्स। सो यहाँ के लिए हम इस बार ये वाला लेके आए। उसके बाद ये सेट ऑफ थ्री एक बेसिकली डिकोर आइटम है जो कि तीन का सेट है। फर्स्ट इज दिस, ये कैक्टस वाली फीलिंग, और सेकेंड ये है, और थर्ड है ये। सो ये तीन का सेट है, बड़ा सुंदर सा ग्रीन कलर का, एंड जिस एरिया में मैंने इसे रखा हुआ है वहाँ पे ऐसे यू नो प्लांट भी ऐसे लटक रहा है यहाँ पे, तो वो पूरा एक इट्स ऑल मेकिंग सेंस, एक पूरा अच्छा लग रहा है वो कलर पैलेट, काफ़ी यूनिक सा है, इट्स नॉट वेरी रेगुलर डेकोर आइटम्स की तरह, काफ़ी डिफरेंट लगा, यूनिक लगा तो ले लिया। या दीज आर ऑल द थिंग्स। इसके अलावा भी ना एक दो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, पर या तो वो घर में पड़ी होंगी या पता नहीं कहाँ है, बट अभी मुझे जो मिला मैंने कहा ये चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊँ। दीज आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं IKEA से लेके आई पार्ट वन एंड पार्ट टू मिला के, एंड होप कि आप लोगों को इसमें से कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, मिल जाए जो आपको लगे वाह यार ये चीज लेनी है, ये चीज यहाँ पे रख सकते हैं, इसको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। और तो कुछ चाहिए नहीं मेरे को, तो यही चाहिए, वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल होनी चाहिए आप लोगों के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड, आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, बाय।